इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415059458। सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलैया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्शना दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक शिक्षपाद गंभीर सागर जी महाराज की, सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अभिषेक जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो अतिथि संविभाग व्रत है उसमें संविभाग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संविभाग का अर्थ होता है अपने जो पास वस्तु है, भोजन है, उसको संविभाग करके यानी समीचीन भाग। संविभाग का अर्थ बराबर नहीं, सम का अर्थ समीचीन भाग। त्यागी वृत्तियों को, मुनि को, आरिका को, एलक छुलकों को दान देना चाहिए, यानी आहार दान का प्रसंग है तो सम समीचीन, जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो, उतना भाग अपने भोजन में से अतिथि को देना चाहिए, इसका अर्थ है अतिथि संविभाग। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हरिवंश पुराण में आया है कि ऊपर के स्वर्गों में परिक्रमा कम होता है, पर ऐसा सुनते हैं कि उन्हें ईर्ष्याएं होती हैं, तो ये क्यों होती हैं ईर्ष्याएं? नीचे के स्वर्गों में ईर्ष्या ज्यादा है, जैसे भवन वासियों और वंत्रों में नियामक ईर्ष्या है, ऊपर के में उतनी ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे ऊपर के देवों में ईर्ष्या भी कम होती है, विशुद्धि प्रणाम बढ़ते हैं, लेशाएं बढ़ती हैं, इसलिए ऊपर ऊपर ईर्ष्या भाव बढ़ता है ऐसा नहीं है। यशवंत सिंह रिटायर्ड GST ऑफिसर्स ललितपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमस्तो, गुरुदेव हम अपने पुण्य को खत्म होने से बचाने के लिए क्या उपाय करें? पुण्य को बचाने का तो एक ही उपाय है कि पाप कम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य पापों में खर्च होता है, पंच इंद्रियों के विषयों में खर्च होता है। जो कुछ भी तुम
भोग रहे हो, चाहे भोजन खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, सो रहे, सब में पुण्य खर्च होता है। जितना जितना हम संसार की क्रियाओं का त्याग करेंगे, सावध आरंभ का त्याग करेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करेंगे, उतना पुण्य खर्च कम होगा। क्योंकि ये सब पुण्य खर्च होटल के समान होता है, जैसा होटल में हम जितना खाएंगे उतना बिल बनेगा, इसी प्रकार यहाँ जितना हम भोगेंगे, जितना खाएंगे पिएंगे, उतना पुण्य कम खर्च होगा। इसलिए श्रीमती साधना जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर जिसके शरीर में सफेद दाग आदि होते हैं तो वो विधान के मारने में बादाम श्रीफल आदि चला सकते हैं क्या? अब देख करके, व्यवस्थित होकर के किस स्थिति में है, कैसा है, एकदम निषेध वचन तो नहीं है, लेकिन व्यवस्थित देख करके, वो इंद्रादिक विशेष पात्रों को बनाया जाए नहीं बनाया जाए, एक सामान्य रूप से यथा योग व्यवस्था देखना चाहिए। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? पूर्व भवों का जो कुछ भी दृश्य होते हैं वो स्मृति में आ जाते हैं, अच्छी बुरी घटनाएं याद आ जाती हैं। मान लो उस भव में प्रवचन सुना होगा, वहाँ नहीं माना होगा, तो इस भव में स्मरण आकर के वो समझ सकता है। तो अच्छी बुरी घटनाओं को जैसे अपन को स्मृति में आ जाती हैं, ऐसे ही जाति स्मरण में पूर्व भव की बातें याद हो जाती हैं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमस्तु गुरुदेव, क्या छह ऋतुएं जैन दर्शन में भी मानी गई हैं? मानी गई। वंदना पवन जैन सतना से पूछते हैं, नमस्तु भगवान, देव आयु प्राप्त होने पर भी यह कैसे निश्चित होता है कि सौधर्म स्वर्ग में जन्म होगा या ईशान स्वर्ग में? आयु का जब वर्ण करते समय है, उस समय उसमें स्थिति पड़ी हुई है ना, जितकी जिसकी इतनी स्थिति है वहाँ जन्म हो जाएगा। जैसे राजा स्वर्ण की 33 सागर की थी, मरते समय 84,000 वर्ष लेगी, तो जहाँ पर 84,000 वर्ष की उम्र होगी वहाँ जन्म जाएगा। आयु की स्थिति मरण के समय पर जितनी रहती है उसी हिसाब से उसका जन्म होता है। प्रीति जैन कड़ंकी बाहुबली नगर से पूछती हैं, भगवान, मैंने शारीरिक परेशानी के कारण पूरे पंचकल्याणक नहीं देखे, मैं जानती हूँ कि मेरे अशुभ कर्म का उदय था, मुझे बहुत रोना आया, मेरा मन पूरे समय पंचकल्याणक में ही रहा, आपने तो मना किया था रोना नहीं, तो मुझे क्या पाप का बंद होगा? अब धर्म कार्यों के लिए है तो कोई बाधा नहीं है, भावना अच्छी रखो। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या गणधर परमेष्टि तीर्थंकर भगवान के पहले मोक्ष जा सकते हैं? मुख्य गणधर के अलावा अन्य गणधर क्या काम करते हैं? बहुत बार बता चुके, प्रश्न बहुत बार आ गया, जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, सभी गणधर समान रूप से ज्ञानी होते हैं। ऐसा अर्पिता थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्या दृष्टि जीव को द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है और देव सास गुरु पर सच्ची सुल्तान रखने पर भी जीव का क्षयोपशम नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? अभिप्राय का अभाव होता है। देव सास गुरु पर सिद्धांत तो करता है, लेकिन उसका अभिप्राय मोक्ष ना होकर, कर्मों का क्षय ना होकर के, इनके माध्यम से पुण्यादिक संपदाओं के प्राप्त करने का भाव होने से वह मिथ्या दृष्टि होता है। जैसे चोर का भगवान के प्रति श्रद्धा करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा करके चोरी करने जाता है कि हम उसमें सफल हों, तो उसको कैसे सम्यक दर्शन होगा? रावण आदि की भगवान के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन वो श्रद्धा थी कि ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे मैं युद्ध में जीत जाऊँ और सत्य को मार दूँ और सत्य की विजय करूँ, तो ऐसी स्थिति में वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पोंगौसी सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपके सानिध्य में
आज तक जो जो पंच कल्याणक हुए हैं वो उस नगर के अपने आप में एक इतिहास रचा है। हर नगर वाला यही कहता है कि हमारे नगर में जो महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ वो ऐतिहासिक हुआ। आज टीकमगढ़ नगर के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे टीकमगढ़ नगर में आपके सानिध्य में जो पंच कल्याणक हो रहा है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक है। ऐसे ही कुछ खबर महाराष्ट्र अभी आगरा से आई, मुकेश भाई माइक, ऐसे ही कुछ खबर अभी एक आगरा से आई महाराष्ट्र कमला नगर वालों की, जिसमें जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिज्ञासा आई है कि महाराष्ट्र आज से 30 वर्ष पहले आपके सानिध्य में कमला नगर आगरा में एक पंच कल्याणक हुआ था, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। वैसा आगरा में अभी तक ऐसा पंच कल्याणक नहीं हुआ। उनकी जिज्ञासा है कि अब 24 फरवरी को उसकी वर्षगांठ आ रही है, तो वो इस वर्षगांठ को मनाना चाहते हैं, उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं, वो किस रूप में इसको मनाएं, उस पंच कल्याणक की कुछ स्मृतियां महाराज जी, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत सुनी है हम लोगों ने, आपसे जानना चाहते। नमोस्तु। मंदिर का जो स्थापना दिवस होता है वह स्थापना दिवस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस दिन उस कॉलोनी के लिए नाथ मिले थे, उस दिन कॉलोनी के लिए एक सहारा मिला था, उस दिन कॉलोनी के लिए वो शक्ति मिली थी जो शक्ति सारे असमर्थों को भी शक्तिमान बनाती। कमला नगर का सबको मालूम है, पूरे आगरा में कमला नगर की प्रतिष्ठा इतनी अतिशयकारी थी कि जब से उस कमला नगर के भगवान की प्रतिष्ठा हुई तब से कमला नगर वाले दिन दूने रात चौगने नहीं, दिन दूने सौ गुने बढ़ रहे हैं, सब तरफ से बढ़ रहे हैं, धर्म से भी बढ़ रहे हैं। कमला नगर में मात्र एक विधिवत अभिषेक पूजन होता है, विधिवत। जब मैं कानपुर की तरफ जा रहा था तब कमला नगर में 3 घंटे रेगुलर अभिषेक विधि सिखाई थी। आगरा में मात्र एक ही मंदिर में विधि चलती है, आगम के अनुसार विधिवत यज्ञ नायक श्रावक सृष्टि वगैरह। और जब से उस प्रकार की स्थिति बन रही है तो वह कमला नगर अपने आप में आगरा के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। बहुत सुंदर मंदिर, अच्छा भगवान, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, वह बहुत अच्छी मूर्ति है। तो उसकी स्थापना दिवस तो एक उपकारी दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि इस मंदिर ने इस कमला नगर के ऊपर क्या क्या उपकार किए, मंदिर बनने के बाद क्या क्या हुआ और किस प्रकार का आप लोगों ने श्रद्धा और समर्पण किया। जितनी जितनी आप लोगों की भक्ति बढ़ती गई उस मूर्ति में अतिशय भी आता गया। इसलिए बड़े रूप में पूरी समाज मिलकर कोई विधान कर सकती है, कलशा अभिषेक आदि की विधि कर सकते हैं, 1008 कलशों से अभिषेक, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रिया का आयोजन जो आपकी समाज बैठ कर कर सके, जितना करो उतना कम है। और उस स्थापना दिवस पे कमला नगर के घर घर पर कोई ना कोई ऐसा संकेत होना चाहिए कि हर घर का सदस्य उस उपकारी दिवस को अपने जीवन का उपकारी दिवस माने, यही सबके लिए आशीर्वाद है। और पूरा आगरा इस दिवस को बड़े ही ऐतिहासिक रूप में मनाना चाहता है, उसके लिए महामस्तकाभिषेक आदि कार्यक्रम भी रखे हैं। आप जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे, प्रथम जिज्ञासा करें पंडित शुभम जैन शास्त्री बड़ा मलेरा, और इसके बाद तैयार रहें पृथ्वीपुर से महिला मंडल जो उपस्थित हुए हैं वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में अनंतवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर की वेदिका में 3 कटनियां होती हैं जो कि विषम संख्या में हैं, एवं मंदिर में विषम संख्या में ही श्री जी विराजमान रहते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर और 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर ये सम संख्या में हैं, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज जी। सम और विषम का कोई हमें आगम में उल्लेख नहीं मिला, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं कि सम अच्छा है विषम बुरा है, अच्छा है ऐसा कोई उल्लेख नहीं। ये तो लोक व्यवहार में सम और विषम को थोड़ा अच्छा मानते हैं कि भाई विषम है तो बढ़ोतरी होती रहेगी, तो इस प्रकार के लोक व्यवहार का है, आगम से तो कोई ऐसी बात आई नहीं। नमोस्तु। जिज्ञासा करें पृथ्वीपुर महिला मंडल,
और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मीनू जी जैन लाडगंज जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में पृथ्वीपुर समाज की ओर से और मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अभी बूरे की मर्यादा 1 महीने की है, तो क्या जो लाड़ू चढ़ाते हैं उसकी मर्यादा भी 1 महीने की होगी? बूरे की मर्यादा 1 महीने की है, तो लाड़ू की भी होगी क्या? तो लाड़ू जो बनता है उसका, हाँ वो 1 महीने की तो है, 1 महीना का बूरे की है। नमोस्तु बूरे में तो पानी मिलता है। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, हे स्वामी पृथ्वी सपुर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मैं पंचम वर्ष की द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्रा हूँ। मुझे सर्वा सिद्धि जी से पूछना है कि पृथ्वी जी पृथ्वी पृथ्वी का एक पृथ्वी जीव और पृथ्वी में क्या अंतर है? अभी द्वादश वर्षीय कोर्स के लिए बहुत अच्छी शुभ सूचना अभी मिलने वाली है। टीकमगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा पुरस्कार अभी घोषित होने वाला है, और जो द्वादश वर्षीय कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए शुभ संकेत है, अभी बताते हैं उसको। हाँ वो तो बता रहा हूँ। तो पृथ्वी पृथ्वी काय और पृथ्वी कायक, पृथ्वी एक सामान्य शब्द है जो एक सामान्य भाषा के रूप में आता है। वस्तुतः होते ही 3 भेद हैं, पृथ्वी काय पृथ्वी जीव पृथ्वी काय और पृथ्वी कायक। पृथ्वी जीव वो कहलाता है जो आने वाला है जीव पृथ्वी में, अभी आया नहीं है तो पृथ्वी जीव कहलाता है। पृथ्वी काय वो कहलाता है जिसमें से पृथ्वी काय निकल गया, जैसे ईंट, पकी हुई ईंट जो है पृथ्वी काय है, पृथ्वी ना पृथ्वी जीव है ना पृथ्वी कायक है। और पृथ्वी कायक वो कहलाता है जिसमें जीव है अभी वर्तमान में, जैसे मिट्टी आदि है तो इसमें जीव है। तो जीव सहित को पृथ्वी कायक, जीव निकल चुका है पृथ्वी कायक, जीव आ रहा है तो सामने वाले को पृथ्वी जीव कहते हैं, और पृथ्वी एक सामान्य शब्द है। जिज्ञासा करें श्रीमती मीनू जी जैन लाडगंज जबलपुर। महाराष्ट्र इस पंच कल्याणक में आपका सानिध्य, इसलिए बाहर से जबलपुर की जैन समाज पूरी महाराष्ट्र की भक्त है, लाडगंज की भी, लाडगंज से मुनि सेवा समिति और स्वाध्याय मंडल के सदस्य आए हैं। मीनू जी अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि महाराजी इच्छामि इच्छामि। जबलपुर से लाडगंज स्वाध्याय मंडल का और 12 वर्षीय कोर्स वालों का सबका नमोस्तु महाराजी। महाराजी, गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? गुण और स्वभाव में क्या अंतर? अभी 2-3 दिन पहले भी प्रश्न आया था। असली में ये जो जबलपुर के स्वाध्याय मंडल आया है ना, ये टीकमगढ़ के पंचगणक में नहीं आया है, ये आया है कि इनको पढ़ाने वाले पंडित जी टीकमगढ़ के हैं, अमित जी, इसलिए आया है। आप सबका क्यों आता है सब समझ में आ जाता है। तो जो गुण और स्वभाव भिन्न भिन्न है, गुण एक लक्षण है, स्वभाव उसका नेचर है। नेचर अलग चीज है और गुण अलग चीज है। गुण से पहचान होती है, गुण उसका एक गुण है, और गुण की जो परिणति होती है वह स्वभाव कहलाता है, ऐसा माना जाए। सांगानेर के जितने लोग जहां भी पढ़ाते हैं, यदि पढ़ा पा रहे हैं, इसे योग बनाया है तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने बनाया, नहीं तो हम लोग किसी योग्य नहीं थे। अब जिज्ञासा करेंगे, वीर व्यायाम शाला के सदस्य जो की ध्वजारोहण में भी आप लोगों ने देखा होगा, जलूस मैं भी बड़ा सहयोग रहा, वीर व्यायामशाला टीकमगढ़ के सदस्य अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विनोद कुमार जी जैन जामनेर। गुरुवर के चरणों में वीर व्यायामशाला परिवार टीकमगढ़ का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हम लोगों की जिज्ञासा इतनी सी है कि जैन समाज मोतियों के समान बिखरा हुआ है, हम वीर व्यायामशाला परिवार ऐसा क्या उपक्रम करें, क्या करें कि इन मोतियों को हम एक धागे में एक सूत्र में प्रो कर एक अच्छी माला का स्वरूप दे पाएं, उसके लिए गुरुवर आपका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक। मैं एक साथ ये टोपियां देख करके मैंने समझा कहीं के पंडित वर्ग आया होगा, क्योंकि व्यायामशाला की पहचान तो टोपी नहीं होती, लंगोट होता है।
फिर भी आज प्रातःकाल का प्रवचन हमने इसी पर दिया था कि समाज को हमेशा परस्पर के विरोध भूल करके किसी एक पॉइंट ऐसा बनाए, कुछ पॉइंट ऐसे बनाए जाएं जिन पर हम एक हैं, कुछ पॉइंट ऐसे बनाए जाएं जिस पर हम एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा हम संकुचित होते जाएं उतना हम अकेले होते जाएं। जब विश्व में रहें तो कहें हम भारत के हैं, भारत में रहें तो कहें हम मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में रहें तो हम कहें टीकमगढ़ के हैं, टीकमगढ़ में रहें तो कहें हम मोहल्ले के हैं, और मोहल्ले में रहें तो कहें हम मकान के हैं, मकान में रहें तो कहें हम कमरे में हैं। पर लेकिन जैसे जैसे हम बाहर निकलते जाएं हमारा विरोध खत्म होते जाने दे। हर व्यक्ति को जिंदगी के दो पॉइंट बना लेना, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आपका किसी से विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं हो, वो पॉइंट कौन सा है उसको तलाशो। जैसे मंदिर है, मंदिर के नाम पर हम कभी किसी से विरोध नहीं करेंगे, जो भगवान का भक्त है वो मेरा भाई है बस। जब धार्मिक कार्यक्रम होगा तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो उसे हम जिनेन देव का कार्यक्रम मान के शामिल होंगे। कोई ऐसे कुछ पॉइंट बना लो जहां पर मन से कह दो भाई इन पॉइंटों पर सारा टीकमगढ़ एक है, और कुछ पॉइंट तुम्हारे भी बना दूंगा मैं, इन पॉइंटों पर हम किसी से किसी भी रूप में मिलन नहीं करेंगे, तुम हो और हम वो भी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कुछ पॉइंट ऐसे, तुमने तो सारे पॉइंट एक समान ले लिए, तो कुछ पॉइंट विरोधात्मक हो जो स्वयं का अपने आप में विचार हो, और कुछ ऐसे हो जो सबके विचार हैं वह हमारे विचार हैं, जहां सब हैं वहां हम हैं, जहां हम हैं वहां सब नहीं, जहां सब हैं वहां हम हैं। ऐसी विचारधारा बनाओ और एक समाज का एक ऐसा यूनियन बने, पंचायत बने, जो सारे मंदिर ललितपुर के जैसे एक ध्वज के नीचे रहे। ललितपुर के अंदर बहुत गजब की चीज है, कोई भी मंदिर की रजिस्ट्री होगी वो मंदिर के नाम से नहीं होती, पंचायत के नाम से होती है। मंदिर की मान लो अटा मंदिर है तो अटा मंदिर की कोई भी संपत्ति ली जाएगी तो पंचायत के नाम ली जाएगी, उपयोग अटा मंदिर ही करेगा, उपयोग बड़ा मंदिर ही करेगा, लेकिन रजिस्ट्री पंचायत के नाम। यानी वहां कोई भी मंदिर के नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, किसी भी मंदिर के नाम से नहीं, सभी मंदिरों की संपत्ति दिगंबर जैन पंचायत के नाम से है, पंचायत ही उसकी मालिक है, पंचायत ही का ऑडिट होता है, पंचायत का ऑडिट होता है, मंदिर का कभी ऑडिट नहीं होता है, पंचायत का रजिस्ट्रेशन है, मंदिर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट में ऑडिट भरना, जवाब सवाल देना, सब पंचायत देती है, मंदिर कुछ नहीं देती, और मंदिर में कोई कमेटी नहीं होती, पंचायत ही उनके प्रबंधक नियुक्त करती है। तो ऐसा यूनियन बनता है, और ये व्यवस्था अभी तक मैंने तो सुना भारत में पहली बार है जो ललितपुर की व्यवस्था है। अन्य जगह पंचायत है लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके नाम कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी स्थान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। अब टीकमगढ़ इतने आगे निकल चुका है, इतना पीछे की कहानी है, कैसे मिलेगा, लोग अपना कैसे मोह तोड़ेंगे, ये कुछ कठिन दिख रहा है। गुरुवर आप फिर भी यदि आप लोग प्रयास करें, हो जाए कि पूरे टीकमगढ़ की एक पंचायत हो, कोई भी कार्यक्रम हो उस पंचायत के, किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो, आयोजक दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ हो। गुरुवर कोई भी साधु यहाँ आवे वो किसी मंदिर के श्रीफल पर नहीं आवे, दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ के श्रीफल पर आवे। किसी भी मंदिर में चतुर्मास हो, किसी भी मंदिर में चतुर्मास हो,
लेकिन उसका आयोजक कर्ता कौन हो? दिगंबर जैन पंचायत टीकमगढ़ हो, मंदिर कोई भी हो, किसी भी मंदिर में साधु का जिस मंदिर में मन लगे, जिस मंदिर में सुविधा हो, साधु महाराज से आप तो पूरे टीकमगढ़ के किसी भी मंदिर में रुकिए, लेकिन मैनेजमेंट पंचायत का होना चाहिए। कोई मंदिर वालों की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, पंचायत ही व्यवस्था करेगी, पंचायत ही उनको आमंत्रित करेगी, पंचायत ही वर्षायु का स्थापन करे। तो ये दो काम यदि पंचायत में आने, कोई भी मंदिर का पंचगणक हो, कोई भी मंदिर में कोई विधान हो, वो दिगंबर जैन पंचायत के बैनर पर हो, तो फिर देखो क्या ठाट बन सकते हैं और समाज का एक झंडा हो जाएगा और एक झंडे के नीचे पूरी समाज होगी। 3,500 घर हैं, दुनिया को हिला सकते हो रे। गुरुदेव, हमारी मैंने हमारी आशा और पूर्ण विश्वास एक है। मिनट प्रातः काल जो हमने प्रवचन दिया है उसको आप सुने। आज राज दरबार का प्रवचन था, राजनीति का प्रवचन था, और प्रातः काल हमने दिया 3,500 घर, यानी एक घर का अपन कितना मान लो, औसत 5 लोग, 5 भी माने तो लगभग 17,000 की पॉपुलेशन जैनियों की एक नगर के अंदर है। बहुत बड़ा काम कर सकते हो, करो, मेरा आशीर्वाद है। गुरुवर, यही आशा और यही विश्वास कि ये सब कार्य आपके आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है, तो हम सभी को यह आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके निर्देशन में यह महत्वपूर्ण और जरूरी काम हम लोग कर सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले 3,500 घर के लोग और ये मंदिरों के जो गणेता सांप है, जो कुंडली मार करके बैठे हैं, वे छोड़ते नहीं हैं, इनका जहर उगलवा दे, सब काम सही हो जाएगा। अन्यथा तुम कितना भी संगठन बनाओगे, जो अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वे तो कुंडली खोलने वाले, वो कुंडली खुल जाए, सारे सांपों की कुंडली खुल जाती, गणतारी कुंडली मान ले तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, शुभ लक्षण। महाराज जी, आपके सामने बात इसलिए रख रहा है क्योंकि सबको पता है काम यदि देश में किसी साधु के सानिध्य में हो सकता है तो वो सुधा सागर जी महाराज जी। जय जय गुरुदेव। जो काम सारे जगह असंभव होता है वो इन गुरु चरणों में आकर के संभव हो जाता है, और महाराज जी का सानिध्य एक बाचना है, चातुर्मास मिल गया तो यहाँ एक पंचायत समिति भी बन जाएगी, ऐसी भावना सब की है अभिलाषा। चलिए और अब जिज्ञासा करें श्रीमान विनोद कुमार जी जैन जामनेर, और इसके बाद तैयार रहे प्रमोद प्रियंका जैन गुरसराय। विश्व चिंतक परम उपकारी संत निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में विनोद जामनेर का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में भी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, टीकमगढ़ के पास दो अतिशय क्षेत्रों सिद्ध क्षेत्र है, और मेरी जिज्ञासा यह है कि वहाँ के जो महार्ग हम पढ़ते हैं, महार्ग किसी भी जिनवाड़ी में, चाहे वो आप दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे आसाम में हो, कहीं भी चले जाएँ, जिनवाड़ी में दो नाम पपोरा जी और हार जी के महार्ग में आते हैं। और महाराज जी पपोरा जी में कभी सुनते थे बहुत अतिशय होते थे, अब वह अतिशय कब होंगे महाराज जी, इसका बहुत इंतजार है महाराज जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह नाम आगर में कैसे आए जिनवाड़ी में, और कौन ने सुना है कि हमने सुन गया, हमें सुन गया विनोद बाबू। पपोरा जी में सुना है कि एक हुआ था, यात्री जाते थे वहाँ, पर्ची डालते थे, जितने बर्तन चाहिए वो कुएं की पाठ पे आ जाते, और वो वहाँ से जब जाता था तो उसी कुएं में बर्तन डाले, लेकिन कोई माइजर कंजूस ऐसा आया कि उसने निकाल तो लिए और लेकर के चला आया, तो कुएं ने बताते देना बंद कर दिए,
जिस दिन जो लेके गया है वो पुनः कुएं में डाल दे तो अतिशय चालू हो जाएगा। महाराज जी आपके चरण पड़ रहे हैं बपोरा जी में। जिज्ञासा करें महाराज जी, आपने बजरंगढ़ में उस सांप को मुक्त से कराया था तो हम लोगों का निवेदन है, चूंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा निवेदन आपसे है कि उस जो सांप लगा हुआ है उस सांप को दूर कराइए। हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। हम आपसे हमेशा गुना और टीकमगढ़ के भक्तों की ओर से कम 10 वर्ष से आपसे निवेदन कर रही हूँ। आज मेरी जिज्ञासा पूरी हुई कि आप टीकमगढ़ पधारे और पंचकल्याणक में हम लोग आ सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रमोद प्रियंका जैन गुरसराय, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे माझ मंदिर कमेटी टीकमगढ़। परम पूज्य परम उपकारी पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, पूज्य छोलक श्री के चरणों में इच्छामी। मुनिवर मेरी जिज्ञासा है कि व्यक्ति खुशी में और सुख में आगे आगे रहता है और दुख आने पर पीछे हो जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति शादी के समय घोड़े पर बैठता है और आगे आगे उसके सभी लोग नाचते हैं, और इसी प्रकार जब व्यक्ति का मरण होता है तो अर्थी के सभी लोग पीछे चलने लगते हैं। तो पूज्य मुनिवर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें कि व्यक्ति खुशी में आगे और दुख में पीछे क्यों हो जाता है। आज दोपहर का प्रवचन आप सुन लेना। आज दोपहर में जो आदिनाथ भगवान के वैराग पर बहुत अच्छी बात ध्यान में आई, बहुत बड़ी बात ध्यान में आई कि जो सुख के दिन जो हैं, जब शादी की तरफ जा रहा हो तो समझो बर्बादी की तरफ जा रहा है, जो अर्थी में जा रहा हो तो समझ लेना राम नाम सत्य की तरफ जा रहा है। अब इतना बड़ा उल्टा पलटी करना राम नाम सत्य को शुभ मानना बहुत बड़ा साहस की बात है। अन्यथा कोई शुभ कार्य में बोल दे राम नाम सत्य है तो कहते सब गत है, उसको शुभ मान लेना बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब ये तो संसार की दृष्टि से आप लोगों के फैसले चलते हैं, हम परमार्थ की दृष्टि से देखते हैं, ये अंतर। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए जिज्ञासा करें माझ जैन मंदिर कमेटी। महाराज जी आज एक विशेष आशीर्वाद आपसे लेने आई है, वो भी भावना वाली है कि टीकमगढ़ में आपके सानिध्य में भी कुछ एक बड़ा काम हो जाए, ऐसी भावना लेकर के माझ जैन मंदिर उपस्थित है। एक अपनी जिज्ञासा कमेटी की ओर से रख लें, समिति कमेटी के सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए बोले भैया। महाराज श्री के चरणों में माझ मंदिर कमेटी और एवं पट्टी के सभी सदस्यों की ओर से बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज गंभीर छुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में बारम्बार हम इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग कल रात को माझ मंदिर के सभी सदस्यों ने सौ प्रेरणा से रखी थी, जिसमें लगभग 120 सदस्यों में से लगभग 75-80 लोग उपस्थित हुए, कुछ 20 लोग बाहर भी थे। महाराज श्री तीन महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पर मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर लिए गए। पहला प्रस्ताव ये हुआ कि मंदिर का, चूँकि यह मंदिर टीकमगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित है, इसमें सबसे प्राचीन मंदिर इसको कहा जा सकता है, और मंदिरों में ये मूल मंदिर जैसे कि भगवान मूल नायक जी होते हैं, बड़े बाबा होते हैं ऐसे ही, तो महाराज श्री इसमें पहला प्रस्ताव ये हुआ कि मंदिर का पुनः निर्माण किया जावे, जिस पे सारे सदस्यों ने करतल ध्वनि से सभी लोगों ने एक नहीं दो दो हाथ उठाकर अपनी सहमति प्रदान की। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि यह पूरा निर्माण का कार्यक्रम परम पूज्य सुधा श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में किया जावे। तीसरा निर्णय उसी में इसको जोड़ते हुए यह लिखा गया कि महाराज जी के निर्देश अनुसार ही सारा कार्य होगा, कोई भी किंतु परंतु चूंकि इसलिए नहीं होगा। ये इसके अलावा महाराज श्री वहां पर लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा स्वतः लोगों ने अपने दान की। महाराज श्री हम सभी मंदिर के
चूंकि यहाँ पर मंदिर कमेटी है और मंदिर पट्टी के सभी सदस्य हैं, सब लोग हाथ जोड़ के आपसे इस कार्य के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज श्री कृपा कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और आप अति शीघ्र, हम तो ये चाहते हैं कि अगले जैसे ही ये पंच कल्याणक संपूर्ण हो महाराज श्री, इसका इसके जो भी शिलान्यास होता है उसका श्रीफल वहां पर शुरुआत कर दी जाए। ठीक है उम्र वालों, थोड़ा जय हो। मेरे नेचर और स्वभाव को तुम नहीं जानते हो, तो ललितपुर में तुम्हारे ब्याही जी होंगे, पूछ लेना, रिश्तेदार तो कोई ना कोई होते हैं, पूछ लेना। और उन्होंने जो अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र कैसे समर्पित किया था, हमारे पास समर्पण करने की परिभाषा वो है जैसे डॉक्टर को मरीज सौंप देते हो और नीचे दस्तखत करते हो कि चाहे मरे और चाहे तो फिर मैं लेता हूँ बाकी तैयार है। और अभी तक जिन्होंने ऐसे मरीज हमें सौंपे हैं, आज तक मेरी टेबल पर किसी सामने तो कभी भी आज तक किसी ने कभी भी कहीं आज तक तो विफल हुआ नहीं है। अभी तक जितने ऑपरेशन हुए सब सफल हुए हैं और टीकमगढ़ का ये पहला टेस्ट मिल रहा है। बस समर्पण की एक भाषा हो, श्रद्धा की एक भाषा हो और ये विश्वास हो कि गुरु महाराज का आशीर्वाद है तो हमारा कुछ अच्छा ही होगा। अब यदि ऑपरेशन करते समय तुम्हें खड़ा कर लिया जाए तो तुम तो ऑपरेशन करते समय तो सीधा पेट फटता है, तो ऑपरेशन जब होता है तो लगता है हमारा मंदिर टूट रहा है, गिर रहा है, ध्वस्त हो रहा है, लेकिन ध्वस्त नहीं हो रहा है। जैसे आज हमने कहा था ना कि रात नहीं आई है, रात नहीं आई है, रात इसलिए आई है कि कल सुबह होना है। मंदिर इसलिए नहीं टूट रहा है कि अपन को गिराना है, मंदिर नहीं टूट रहा है, मंदिर बन रहा है। हम पुराने मंदिर को तोड़ नहीं रहे हैं, हम नए मंदिर को बना रहे हैं। अब बनाते समय टूटता है तो अपन क्या करें, लेकिन अपना उद्देश्य तोड़ना है कि बनाना, अपना उद्देश्य बनाना है तो संकल्प करके बनाएं। और तुम लोगों ने जो दान राशि बोली है अभी वो अपने अपने जेब में रखो। हाँ, ये मंदिर मेरे आशीर्वाद से बनेगा तो बनिया नहीं बनाएंगे, जेबी बनाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हम बनियों के हाथ से मंदिर नहीं बनवाते हम, और जैनियों का दान क्या बोलेगा और जैनी क्या बोलेंगे वो तो तुमने पंचकर्ण की बोलियों में देख लिया महाराज जी, सारे माज। हाँ, इसलिए अभी वो जो बोला है वो सब अपनी अपनी जेब में रखो, हम बताएंगे कैसे बोलना है और किसको बोलना है और क्या बोलना है। अभी चिंता मत करो, माल को डिस्प्ले तो होने दो, अभी माल की गांठी नहीं खुली। माल जब डिस्प्ले होगा तब देखना कि जो तुमने जोड़ा है उतना तो एक ही आदमी बोलेगा। माल का डिस्प्ले होने दो थोड़ा, क्योंकि लोगों के भाव माल देख करके भी होते हैं। जब हम नंदीश्वर कॉलोनी आए थे क्योंकि अब चर्चा चल रही थी, मन गए भाई महाराज लोग थे, उन्होंने पूछा सौदर के महाराज जी एकाध का तो पक्का है बाबू भी यही बोला तो पक्का है। हमने कहा ठीक है, ये तो अभी गांठ खुली नहीं उसके पहले का है, अब माल जब डिस्प्ले होगा उस समय पूछूंगा कि अब कितने का है। तो ऐसे ही मझार मंदिर का जो मंदिर का स्वरूप आएगा, जो डिस्प्ले होगा उसके बाद फिर आप देखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा मंदिर एक ही व्यक्ति बनाने को आ जाए सामने। कुछ नहीं कह सकते, आकाश में बादल
और दानी की बरसात कब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अभी ललितपुर के अंदर देखो, मंदिर बनने के बाद एक ही व्यक्ति पूरे मंदिर बनाने वाला आ जाए, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होता है। भावनाएं अच्छी रखो, बहुत समर्पण का आपने भाव किया है और समर्पित किया है तो आपका अच्छा ही होगा, अच्छा ही नहीं होगा बहुत अच्छा होगा, जिस पर पूरा टीकमगढ़ गर्व करेगा। थोड़ा थोड़ा इंजीनियर आदि को बुला, और इंजीनियर आदि को बुला लो और वो आकर के डिस्कशन करेंगे, फिर बताते हैं आज तुमने समर्पण पूरा। और ये मझार मंदिर के समर्पित लोग हैं, लेकिन मैं जब करूंगा तो पूरे टीकमगढ़ का समर्थन चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो भी करूंगा वो टीकमगढ़ के स्तर का करूंगा, किसी एक कॉलोनी के स्तर का, बड़ी पंतकणा के नंदीश्वर का है, लेकिन मैं तो टीकमगढ़ का मान के कर रहा हूं। इसलिए सब लोगों को बहुत अच्छा कार्य है, देखते हैं, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। इन लोगों को पता है कि हमने आपके चरणों में समर्पित किया है, अब कुछ ऐसा बनेगा कि पूरा विश्व देखेगा। टीकमगढ़ के माझ मंदिर कुछ ऐसा बनने वाला है कि पूरा विश्व देखेगा। द्वादश वर्ष और अब इसके बाद द्वादश वर्षीय जो महाराज जी ने अभी सूचना की थी वो होगा। इसके बाद श्रीपाल नायक जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे, राकेश जी शास्त्री और हमारे यहाँ के जो विद्वान जन है, अखिलेश जी वगैरह सभी विद्वान जन सांगानेर के जो हैं आ जाएं और राकेश जी अपनी बात रखेंगे, माइक दें। देखिए टीकमगढ़ के लिए महाराज श्री के सानिध्य में स्वाध्याय की एक नई शुरुआत द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से हो रही है, उसकी प्रस्तुति यहां पर हो रही है, आप ध्यान से सुने। सारे जगत को जिनवाणी का रस पिलाने वाले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री एकस्वार सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री आपके टीकमगढ़ आगमन मात्र से फ्यूज बल्ब अब जगमगा उठे हैं, और ये जो हम देख रहे हैं और पांच कल्याणकों के पंच कल्याणक के अवसर पर ये जो आनंद ले रहे हैं महाराज श्री, जब कोई व्यक्ति राही मंजिल पर पहुंचता है तो राही को तो देखते हैं लेकिन राही के कदमों में छालों को नहीं देखते हैं। कितने वर्षों की भावना थी कि महाराज श्री यहाँ पर आए और ये निमित्त मिला और महाराज श्री का पदार्पण हमारे टीकमगढ़ नगरी को मिल गया है, हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि आनंद आ गया, आनंद आ गया, और कह रहे हैं कि महाराज श्री का इतना गजब का पुण्य है, इतना गजब का पुण्य है कि जहां भी जाते हैं वो धरती सोना बन जाती है। लेकिन आप लोगों ने तो आनंद ले लिया, लेकिन मैं कुछ और कहने आ रहा हूं कि महाराज श्री सबको आनंद लुटा देते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि महाराज श्री को किस चीज में आनंद आता है, वो कब प्रसन्न होते हैं, तो आज उसी की खुशखबरी लेकर के आया हूं। महाराज श्री मेरे आपके सामने एक जिज्ञासा है कि हम सभी जैन कुल में जन्म लिए हैं तो देव की हम पूजा करते हैं, बहुत भक्ति भाव से करते हैं, गुरु की हम वंदना करते हैं, एकदम उमड़ उमड़ के करते हैं, लेकिन बीच में शास्त्र भी हैं, जिनवाणी भी हैं, उनकी हम कैसे संरक्षण करें, उनका कैसे स्पान करें और द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम इसमें कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु महाराज श्री। आप लोग श्रद्धा भक्ति तो करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जो स्वाध्याय है, जैसे व्यक्ति बिना पढ़े लिखे गृहस्थी को चलाना बहुत कठिन है, पढ़ता लिखता नहीं है, आप लोग अपना बच्चा तुम्हारा पढ़ता लिखता नहीं तो आप बड़े चिंतित हो, महाराज जी पढ़ता लिखता नहीं है, तो नहीं पढ़ता लिखता है तो क्या फर्क पड़ता है, मूर्ख बनाने दो। अरे महाराज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर ये बड़ा होकर के कमाएगा क्या, खाएगा क्या, यही बात कहते हो। जैसे लोक व्यवहार में आप आजीविका चलाने के लिए अपने बेटा बिटिया को पढ़ना अनिवार्य मानते हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ाना ही चाहते हो,
भले ही हायर एजुकेशन नहीं कराओगे लेकिन इतना तो पढ़ाई लोगे वो चिट्ठी बांच लेवे, इतना तो पढ़ाई लोगे कम से कम वो कुछ लिखा पढ़ी कर लेवे। तो इतना पढ़ाने का भाव हर माता पिता का होता है। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, एक नीति है जो बच्चों को। तो इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र के अंदर आप सब पूजा पाठ कराते हो लेकिन यदि उनको ज्ञान जिनवाणी का ज्ञान नहीं कराते हो तो माता बैरी पिता शत्रु है। वो अभिमन्यु जैसे अर्जुन के समान बहुत बड़ा घातक है कि तुम संसार में प्रवेश करना तो सिखाते हो कि लेकिन जीवन का जब अंत होगा तो कैसे अंत करना ये नहीं बताते। प्रवेश करना सिखा देते हो कि संसार में कैसे प्रवेश करना लेकिन निकलना कैसे है संसार से या न सिखा करके उन बेटों की दशा वो होती है जो अभिमन्यु की दशा होती है। और फिर अभिमन्यु पिता को कोसता है कि पिताजी यदि चक्रव्यूह से निकलना नहीं सिखाना था तो प्रवेश करना क्यों सिखाया। ऐसा ही जब बेटा दुर्गतियों में जाता है तब वो तुम्हें कोसेगा कि पिताजी आपने संसार में प्रवेश करना सिखाया, निकलना क्यों नहीं सिखाया। वो समझेगा कि माता बैरी थी पिता शत्रु थे। जो जैन कुल में जन्म लेकर के अपने बेटों को कम से कम 5-10 साल तक जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कराते वे माता बैरी पिता शत्रु है। और तुम नहीं करते हो तुम अपनी जिंदगी के शत्रु हो। इसलिए हमने तुम पाठशाला नहीं जा सकते, तुम कहीं विद्वानों के पास नहीं जा सकते, तो अपने घर बैठे हर जैन श्रावक घर बैठे 12 साल का 12 वर्षीय कोर्स का अध्ययन करें घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में हमें 1 घंटा भी यदि आप पढ़ लो तो 12 साल के अंदर तुम्हारे लिए कोई सम्यक दर्शन से च्युत नहीं कर पाएगा, भटका नहीं पाएगा। मात्र 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है और उसके लिए सांगानेर से ऑनलाइन पढ़ाने वाले नियुक्त किए गए, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन टीकमगढ़ का एक बहुत बड़ा भाग्य है, सारी दुनिया में तो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था लेकिन यहाँ टीकमगढ़ के अंदर सांगानेर से निकले हुए 17 विद्वान हैं जिनको हम लोगों ने वहाँ जाकर के संस्थान में रखे 5 साल तक, बैनारी जी वगैरह सब ने 5 साल तक इनको कूट कूट करके जैन धर्म का संस्कार भरा है। 17 शास्त्री हैं यहाँ पर और 17 शास्त्री यहाँ हैं तो तुम्हें तो ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो चाहो तो हर मंदिर में 2-2, 3-3 विद्वान तुम्हें पढ़ाने को मिल सकते हैं। तो जो 12 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं, जो जिनवाणी का जो भी पढ़ना चाहते हैं, 6 ढाला तत्वासूत्र पहला भाग दूसरा भाग जो भी तुम्हारे लिए अध्ययन करने की रुचि हो उस अध्ययन के लिए 4-5 मंदिर नियुक्त किए हैं, 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है और कम से कम 8-10 विद्वान तैयार हुए हैं वो पढ़ाने के लिए। अब आप लोगों को एडमिशन कम से कम 10-15 लोग यदि क्लास में बैठते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है और उसमें भी युवा वर्ग बैठे हैं, पुरुष वर्ग ज्यादा बैठे तो विद्वान का और जोश बढ़ता है, और जोश बढ़ता है। टीकमगढ़ में 1 घंटे आपको निकालना है, 24 घंटे में मात्र 1 घंटा निकालना, 1 घंटे निकालने का आप परिणाम देखना साल भर में ही, तुम खुद कहोगे कि जो मैंने कल्पना नहीं की थी। ये जो बच्चे तुम्हारे 17 हैं, 17 वो बच्चे थे ये जिनको नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता था और आज 5 साल में पढ़ करके इतने विद्वान हो गए कि वो तुम्हारे लिए तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि पढ़ाने के योग्य हो गए। 5 साल के अंदर आज वो सर्वार सिद्धि ग्रंथ लगा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कार्य करें बहुत अच्छा। और आपके यहाँ एक और विद्वान है नरेंद्र प्रकाश जी, गाजियाबाद रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान है, दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता है, हम लोगों की दृष्टि में एक अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन 17 बच्चों को हमने कहा उन विद्वान नरेंद्र प्रकाश जी से तुम लोग सब मिलकर के 1 घंटे स्वाध्याय करो दर्शन शास्त्रों का, ज्ञान का। और आप लोग भी उन विद्वान का उपयोग करो, विद्वान बढ़ नहीं रहे हैं, विद्वान घटते ही
और ठोस ज्ञान वाले, और आपके नगर में नरेंद्र काज जैसे ऐसे विद्वान आपके पास हैं तो आप इनका उपयोग कीजिए, और ये 17 विद्वान आपको पूरे मंदिरों में जहां आप चाहें जो अच्छे मंदिर हो, कमेटियों से मेरा कहना है कि आपके लिए पूजा के लिए कम स्थान पड़े तो खड़े खड़े कर लेना, लेकिन यदि कोई स्वाध्याय के लिए स्थान मांगे तो पूजा करने वाले भले खड़े होकर पूजा कर लें लेकिन स्वाध्याय वाले को स्थान दे देना। मजार मंदिर में रहना है, मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा की, पहले मंदिर में गद्दी होती थी, गद्दी जानते ना, गद्दी होती थी, सब समाज वहां बैठती थी, और टीकमगढ़ में भी मंदिरों में गद्दियां थी, पंडित जी बैठ के वाचन करते थे और सब लोग बैठ जाते थे। उन गद्दियों को जीवित करो, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और ये बाबू लेके आए हैं, कहाँ नाम लिखाना है, किसको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कौन से मंदिर में पढ़ना है, 12 वर्ष में पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, जिस क्लास में तुम पढ़ना चाहो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, जो भी पढ़ना चाहो, सब तरफ से आपको है। इस शताब्दी में जो सुविधा तुम्हें मिल रही है, ये सुविधा अकलंक निकलंक को भी नहीं मिली है। अकलंक निकलंक स्वामी को पढ़ने के लिए एक भाई खोना पड़ा था, यही स्वाध्याय करने के लिए, यही पढ़ने के लिए अकलंक निकलंक को नालंदा विश्वविद्यालय जाना पड़ा, और परिणाम क्या निकला, एक भाई को खोना पड़ा था। निकलंक की बलि चढ़ी थी कि नहीं, इसी स्वाध्याय के लिए, और आज वही स्वाध्याय कराने वाले 17 विद्वान आपके टीकमगढ़ में है, फिर भी तुम इनका उपयोग नहीं कर पाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है। मेरा भाव है कि अच्छी तरह से इनका अध्ययन करो और कराओ, आगे बढ़ो। परम पूज्य मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में भी बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक नगर में एक चैत्यालय हुआ करता था, लेकिन सन 2007 में वहां पर शिखरबद्ध मंदिर बना दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद वहां के समाज ने उस नगर को छोड़ दिया और अब उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए भी लोग नहीं हैं, तो उस मंदिर को किसी और नगर में स्थापित करने का विचार आया है मन में, तो उस प्रतिष्ठाचार्य से बात करके समाज से पूछ कर जहाँ विराजमान करना है वहाँ की समाज से पूछकर निर्णय ले सकते हैं। आशा एक किलो चांदी श्रीमान श्री चंद जी जैन, ऋषभ जी जैन, विमल जी, अशोक जी, देवेंद्र जी, रामनगर वाले, और 500 ग्राम चांदी श्रीमान अभिनंदन जी जैन प्राचार। अब जिज्ञासा करें प्रिया सुभी जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री पुष्पा ज्योति जैन। मेरे आराध गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री जैसे गुस्से की लिमिट सेट होती है, हर चीज़ की लिमिट सेट होती है, लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम करने से वो डेंजर होता है, खतरनाक होता है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? महाराषि जैसे हर चीज की लिमिट सेट होती है, गुस्से की भी और सबकी भी, अगर लिमिट से ज्यादा काम करते हैं तो वो डेंजर होता है, तो क्या पेरेंट्स को भी बच्चों को प्यार करने की लिमिट सेट होनी चाहिए? अगर वो ज्यादा प्यार करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ज्यादा अगर सपोर्ट करते हैं तो। ओम शांति। सबकी लिमिट होती है, सबकी मर्यादा होती है, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। चले आगे जिज्ञासा करें पुष्पा ज्योति जैन, और इसके बाद तैयार रहें राजा जैन इंदौर। परम पूजने रम्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक नारी पर्याय के किस कर्म के उदय से मिली है और इसका छेदन कैसे करें? दूसरों की गुप्त बातें सुनकर, दूसरों की रहस्यमयी बातें सुनकर दूसरों को चुगली कर देने से नारी पर्याय मिलती है, और ये आदत छोड़ दोगे तो मुक्ति भी मिल जाएगी। जिज्ञासा करें राजा जैन इंदौर, और इसके बाद तैयार रहें श्री आर के जी जैन टीकमगढ़। जगत पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री
हमारा एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि गृहस्थ में रह के अपन अपना कल्याण कैसे करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कैसे करें। गृहस्थ में जितना कल्याण हो सकता है उतना देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये छह आवश्यकों का पालन करते जाएं और फिर आगे शक्ति हो तो व्रत आदि लेने से ही कल्याण होता है। जिज्ञासा करें आर के जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहे विजया जैन बिलासपुर। कुछ घोषणाएं हैं श्री नरेंद्र जैन मीना जैन जी की ओर से भी, आधा किलो चांदी छत्र हेतु प्रदान की गई है, जिज्ञासा करें। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मुनि आप सीधे जिज्ञासा रखें, कोई नमोस्तु बोल के सीधे जिज्ञासा रखें, कई लोगों के नाम है। हाँ महाराज जी, जैसे कि 24 तीर्थंकर का निर्माण करने लायक हुआ है, तो क्या जो 3 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं तो क्या उनका निर्माण कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ? सबके निर्माण कल्याणक, सबके निर्माण कल्याणक होते हैं। अच्छा, और सभी के निर्माण कल्याणक आप मना सकते हैं। तो इच्छा रहित तप निर्माण का कारण है या कहाँ तक सत्य है? ये 100% सार्थक है। बिना इच्छाओं के निरोध किए बिना तप कैसे हो सकता है? क्योंकि सांसारिक इच्छाएं जहां हैं वहां पर तप की स्थिति नहीं बनती है ऐसा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती विजया जी जैन बिलासपुर, और इसके बाद तैयार रहे मंजू जी जैन टीकमगढ़। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को माइक बंद हो गया कभी? बोले सीधे। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को त्रय बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो बच्चे विदेश में बस गए हैं वहीं रहते हैं, उनके लिए हम ऐसा क्या प्रस्तुत करें कि उनका धर्म के प्रति जो आकर्षण है वो उससे ज्यादा हो? ये जो चैनल चल रहे हैं ये उन्हीं के लिए चल रहे हैं और विदेश रूप में, और 12 वर्षीय कोर्स जो है विदेशियों के लोगों के लिए, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते इसलिए वो ऑनलाइन जाकर के धर्म की शिक्षा ले सके, उनको ही ध्यान में रखकर ये सब बातें हैं। उनको कहिए कि वो इस प्रकार का स्वाध्याय करें। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें मंजू जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सकल दिगंबर जैन समाजकारी। इसके बाद तैयार रहें सकल जैन समाजकारी, पास में लगाएं माइक सीधे से। महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शीर्ष रूप स्वीकार नमो त्रियोग समार के। महाराज जी इसका आशय समझाएगी। 6 ढाला का मंगलाचरण, 6 ढाला का 3 भुवन में सार, वो तो अपने आप ही सीधा अर्थ है। 3 भुवन में सार जो है वीतरागता ही है, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता है, उसी का नाम जैन धर्म है, यह भाव उसमें लिया गया है। नमोस्तु महाराज जी, परिवार की तरफ से नमोस्तु। कारी समाज से हमारे बीच में जो उपस्थित है अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान शैलेंद्र जी जैन टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाजकारी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, यहाँ से कारी 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर 2 शिखर बंद भव्य जिनालय है। कारी वालों को आशा है कि आपकी कृपा दृष्टि एक बार कारी पर जरूर होगी, और मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा है, पूजन में है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। महाराज जी, जो इस इनके विपरीत जाता है उनका मंदिर जी के ऊपर और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, इनसे विपरीत भाव में जो जाता है तो समाज पर मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी स्वयं की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान शैलेंद्र जी जैन। हेलो। और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे हे मुनिवर सुदेश जैन सोलेखा जैन। हे मुनिंद्र, हे महाश्रमण, हे
समर संस्कृति को नायक श्री सुधा सिंधु के श्री चरणों में मेरा बारंबार नगरवासियों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से सादर नमन और बारंबार नमोस्तु। और श्री गंभीर सागर जी महाराज, देखिए आप लोग इतना टाइम लगाते हैं, जैसे कोई टाइम लगाए उसका नाम काट के दूसरे को। एक छोटा सा कल से सुन ले, उन्हीं का नाम होगा जो सीधे मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु छुलक जी को इच्छा में सीधी अपनी जिज्ञासा। एक बार नमोस्तु बोलना है, दोबारा बोलोगे उनका नंबर काट के मुनि ए परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अदमाई। तो इस शब्द से और परोपकार दुहंती गावा परोपकारार्थ बहती नद्या। ओम शांति को दो शब्द ए श्लोक वगैरह लिख के दिया करें, ऐसे जिज्ञासा नहीं रखा करें। ओम शांति। आप लोग ये समझे, पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख रहा है, एक एक मिनट कीमती है। तुम्हें माइक मिल जाता है, तुम अपना और माइक के राजा बन जाते हो। चलिए जिज्ञासा करें श्रीमान सुदेश जैन, सुलेखा जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान हेमंत जी जैन टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। बस एक बार बोलना, नमोस्तु महाराज जी एक बार बोलना बस। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि समूह चरण में जब समूह रण विघटन होता है तो उसके किसके आज्ञा से होता है महाराज जी? और जब तीर्थंकर भगवान किसी की आज्ञा से नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान जब योग निरोध करते हैं तो योग निरोध क्या कहलाता है? नमोस्तु महाराज जी। जब व्यक्ति वहाँ के जीवों का पुण्य की हीनता हो जाती है और कहीं आगे के लोगों की पुण्य की प्रबलता हो जाती है तो भगवान विहार करते हैं, तो समूषण स्वतः ही विघटित होता है, उसको विघटित करना नहीं पड़ता। योग निरोध का अर्थ होता है मन वचन काय की जो चंचलता है उस चंचलता को रोकने का नाम योग निरोध कहलाता है। जिज्ञासा करें हेमंत जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगी श्री माधुरी मोदी जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है। ए ओम, आपका नाम बोला गया क्या? नहीं, ऐसे बच्चों को प्रश्न नहीं कराना है जब उनका नाम ना बोला। पूछिए हेमंत जी। नमोस्तु इच्छामी महाराज, मैं आज देव सात गुरु की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ महाराज। पर्वत पर बड़े कुंडलपुर में बड़े बाबा पर्वत के ऊपर विराजमान थे। ओम शांति। आप जिज्ञासा मत कीजिए, वर्णन नहीं। प्रश्न रखें आपका, क्या प्रश्न? दूसरा नाम बोलो। आपको इतने बार समझा भी रहे हैं फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। श्री माधुरी मोदी जी अंतिम जिज्ञासा रखें, इसके बाद आरती वाले ही पधार रहे हैं, फिर आरती महाआरती होगी। पूछिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न आज के तप कल्याणक के उपलक्ष्य में है। महाराज जी तप कल्याणक जब दीक्षा महोत्सव होता है, सभी अरहंतों को दीक्षा दी जाती है तो मुनि शब्द लग जाता है, लेकिन सभी का मुनि के मुनि सुब्रत नाथ को ही मुनि सुब्रत नाथ क्यों कहा जाता है, बाकी परमेष्टियों को क्यों नहीं? अब पहले से ही उनका नाम मुनि सुब्रत है, फिर भी हम जब मुनि लगेंगे डबल मुनि लगाना पड़ेगा। मुनि मुनि सुब्रत नाथ, उनका नाम में मुनि अलग है, वो तो मुनि सुब्रत नाथ तो उनका नाम है, ऐसा करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए आरती वाले शीघ्रता से आ जाएं, जब तक घोषणा करते हैं। देखिए बहुत बड़ा एक छत्र आदिनाथ धाम में आदिनाथ भगवान के मस्तक पर विराजमान होगा, जिसमें बहुत सारे भक्त एक एक किलो आधा आधा किलो चांदी दे रहे हैं, उनकी घोषणा हो रही है। श्रीमती गजराजी अमिता जी, डिंडू जी चौधरी 500 ग्राम चांदी, हरिश्चंद जी, सतीश जी जैन गौरवाले 1 किलो, आजाद जैन, अजित जैन 1 किलो चांदी, श्रीमती प्रभा जैन, एमएल जैन, दीप्ति जैन, सम्यक जैन 1 किलो चांदी, बीरेन पहलवान जी आधा किलो चांदी, श्री अशोक कुमार जी जैन आधा किलो चांदी, श्रीमती मनीषा जैन, अनिल जैन बड़कुल आधा किलो चांदी, देवेंद्र कुमार जैन वर्मा आधा किलो चांदी, श्री मगन कुमार, सुभाष कुमार जैन 300 ग्राम चांदी, श्री राजू जी देहादीन की घोषणा हो गई है 1 किलो चांदी, कपिल जैन जिला पंचायत खजराव 1 किलो चांदी, श्री राजकुमार सोनी जी राजमहल से हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्रीफल भेंट करें, श्रीमान जीवन लाल जी आ जाएं। चलिएगा आरती वाले शीघ्रता से आए, जिनकी आरती की बोली है कहाँ है, हाथी से उतर गए क्या, जल्दी बुलाएं।
बबलू जी जैन, ज्ञान ट्यूबवेल, एक किलो चांदी और भी जिन महानुभावों को अपने मुकेश भाई माइक पे ऐसा करो आवाज सुनाई दे हल्ला। देखिए एक एक किलो चांदी, आधा आधा किलो चांदी जैसी आपकी सामर्थ्य, आगे चल के असीम कालीन भक्तांबर विधान भी यहां पर होगा, उसमें भी एक बड़ा माड़ना बनना है जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए के बीच में होगी। यदि कोई एकाध पुण्यात्मा भक्त अपनी ओर से वो पूरा भक्तांबर विधान जी का माड़ना बनवाना चाहता हो तो एक नाम आ जाएगा वो अच्छा रहेगा, और बाकी जो है जो चांदी आ रही है इससे छत्र का निर्माण और बाकी प्रातिहारों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए जिसकी जैसी सामर्थ्य हो आप अपने चांदी की घोषणा जरूर करें, और ये सौभाग्य होगा कि छत्र में आपकी चांदी। आरती वाले शीघ्रता से आ जाएं, युवक मंडल जल्दी से उनको लेकर के आए, आरती वालों को आई गए। हाँ नीलेश भाई आ जाएं और आरती शुरू कराएं। हेलो, बोलिए चारित्र सरोवर के राजहंस अध्यात्म शिरोमणि आचार्य प्रवर से 108 विद्यासागर जी महर्षि राज के जगत पूजन यापक श्रवण मणि पुंग से 108 सुधा सागर जी महाराज के शुल्लक से 108 गंभीर सागर जी महाराज के करते हैं प्रभु की आरती करते हैं। आरती के पुण्यांजल जरा शीघ्र से आ जाए कि हमारे सामने के जो साधर्मी हैं वे थोड़ा सा स्थान पीछे कर दें। आरती के पुण्यार्जक यहाँ से आरती करेंगे आज, सभी लोग पीछे हो जाएं भाई सब, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सभी। करते हैं गुरुवर की आरती, जल्दी आ जाएं आरती के पुण्यार्जक, दौड़ लगा करके वहीं से आरती करते हुए आए। हो सुधा सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप सजाग के आज उतारू आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा पूर्व पार्षद 9889888555, प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469 अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458, सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलैया 7080732808।
बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।